राजीव जी, पहले तो मोदी जी साहब से शुरू करते हैं। और मुझे लगता है कि कर्नाटक जो आपने सुनाया, कर्नाटक से मोदी जी ने सबक नहीं सीखा कुछ। अभी दूसरी बार वो मध्य प्रदेश गए हैं, चुनाव से पहले कर्नाटक गए थे 8 बार, और लगातार आप कर्नाटक के चुनाव में देखिए, मोदी जी कांग्रेस पर हमला कर रहे थे, वहाँ पे हनुमान जी को भी ले आए, लेकिन वो क्या करेंगे कर्नाटक के लिए ये नहीं बताया। तो कर्नाटक की जनता ने उनको बता दिया। अब यही काम आप देखिए कि मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। मोदी जी के पूरे भाषण में जितना आपने सुनाया, एक भी प्रॉमिस मध्य प्रदेश के लिए नहीं है। यानी वो आलोचना कर रहे हैं कि बिजली सस्ती करेंगे, करने को कह रहे हैं वो महंगी कर देंगे। आप बिजली के बारे में क्या करने जा रहे हो ये तो बता दो। आप गैस के सिलेंडर के कितना कम करोगे ये आप बताओ ना। तो इनके पास अपना प्रोग्राम है, अपना कौन सा प्रोग्राम है वो भी मैं बता देता हूँ। अचानक देखिए महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, बिहार में लिंचिंग की घटनाएं बढ़ गई हैं। ये है प्रोग्राम, पोलराइजेशन, यूनिफॉर्म सिविल कोड। कांग्रेस मीटिंग जरूर कर रही है, मुझे नहीं लगता है कांग्रेस को इसमें बहुत अभी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी कोई ड्राफ्ट ही नहीं है, किस पे बात करें। एक उत्तराखंड का बिल आप लेकर आए हैं, उत्तराखंड का बिल मॉडल नहीं हो सकता पूरे देश के लिए। तो इस पे इसीलिए कल आप भी चर्चा कर रहे थे, तो मैंने ही कहा कि इस पे अभी हम लोग बात करेंगे बाद में, क्योंकि कोई सरकार की तरफ से कोई ड्राफ्ट तो आए, कोई कंसल्टेशन पेपर तो आए। अब कांग्रेस की बात देखिए, कल और परसों राहुल गांधी ने मणिपुर में वो किया जो प्रधानमंत्री करना चाहिए था। वो वहां प्रधानमंत्री का रोल निभा रहे थे, वो शांति की अपील वहां जाके कर रहे थे, वो लोगों के आंसू पोंछ रहे थे, वो लोगों को दिलासा दे रहे थे। ये काम तो भारत के प्रधानमंत्री को करना चाहिए था 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, जो आज तक नहीं हुआ। एक ट्वीट नहीं, एक शब्द नहीं आया अभी तक। तो वहां से कांग्रेस की मंशा और स्वीकार्यता और किस तरीके की पॉलिटिक्स देश में होनी चाहिए, एक संदेश तो गया। अब तैयारियां कांग्रेस की अंदर बहुत गहरी है, बहुत सी बातें बाहर आती हैं। जैसे मान लीजिए कुछ दिन पहले बीएसपी के बारे में खबर आई, उसके बाद मायावती जी का कांग्रेस की आलोचना करते हुए कई सारे ट्वीट भी आ गए। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कांग्रेस और बीएसपी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन हो, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश में हो सकता है जी। इसी तरह तेलंगाना में जब खम्मम में कल रैली होगी, तो बीआरएस के तमाम बड़े नेता कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और तेलंगाना को कांग्रेस बहुत गंभीरता से ले रही है, उनकी स्ट्रेटेजिक टीम वहाँ पे काम कर रही है, वो रिसर्च कर रहे हैं और बहुत ढंग से वो काम कर रहे हैं। और किसी एक स्ट्रेटेजिक समय में मुझे लगता है कि शर्मिष्ठा जो वाईएसआर कांग्रेस का दूसरा धड़ा है, प्रशांत जी आपको रोकना, तब आगे देखिए, अगर आप आंकड़ों के हिसाब से देखिए तो ये बात सच है कि कई बार ऐसा होता है कि राज्यों में दूसरी पार्टी जीतती है, लोकसभा में कोई और पार्टी जीत जाती है। मुद्दे अलग अलग होते हैं, चुनाव की शैलियाँ अलग हैं, वोट देने वालों की प्राथमिकताएं भी अलग हैं। कई बार तो मैंने देखा राजीव जी कि एक ही दिन चुनाव विधानसभा और लोकसभा का है कुछ राज्यों में कभी, और 2 बैलेट पेपर मिले हैं मतदाताओं को, और उसके बाद में रिजल्ट अलग अलग आया है। तो मतदाता इसमें चूज करता है, फर्क क्या पड़ेगा अगर बीजेपी नहीं जीतती है या जीतती है। देखिए बीजेपी का बहुत सारा काम पुलिस की मदद से होता है, जो प्रचार है उसमें पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इनके बजरंग दल के लोग हैं, मुसलमानों को मारना है, पीटना है, लिंच करना है,
ये जो एक प्रचार का एक घिनौना तरीका है वो बगैर पुलिस के नहीं हो सकता। आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, आप देखिए ये उत्तर प्रदेश में क्या होता है, यहाँ क्या होता है, मध्य प्रदेश में क्या होता है, पुलिस के बगैर। तो एक तो कि पुलिस नहीं मिलेगी, अब कर्नाटक में चुनाव हारे, जब तक कर्नाटक में पुलिस थी तो हिजाब को लेकर आंदोलन चल रहे थे, पुलिस हटी तो आंदोलन खत्म। तो पुलिस की बहुत आवश्यकता है बीजेपी को, एक तो ये बात। दूसरी बात ये है जो 2024 का माहौल बनाएंगे पोलराइजेशन का, ध्रुवीकरण का। दूसरी एक बात इम्पोर्टेंट है राजीव जी कि एक माहौल बनता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बनता है लोकसभा के चुनाव के लिए। अगर चुनाव जीतते, जैसे कर्नाटक की एक जीत है, तो कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस के लोगों की, वर्कर्स की, नेताओं की बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई। इतनी विपरीत परिस्थिति में, जिसको लेवल प्ले फील्ड नहीं कह सकते, बावजूद उसके चुनाव जीत गई। तो ये फर्क 2024 के लिए पड़ेगा कि बड़े जोर शोर और उत्साह के साथ ये लोग जाएंगे चुनाव में। एक जो महत्वपूर्ण बात है जो गर्ग साहब ने भी उठाई और प्रोफेसर अखिल स्वामी ने उठाई, कम्युनिकेशन। देखिए कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को ये तय करना है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कि गोदी मीडिया इनके साथ नहीं है। ये जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है वो खुले तौर पर भारत जोड़ो यात्रा चली नहीं दिखाया, अमेरिका की बहुत सक्सेसफुल यात्रा राहुल गांधी की रही, हमने आपने यहाँ पे दिखाया, उन लोगों ने नहीं दिखाया ब्रॉडकास्ट मीडिया ने। एक बड़ा मीडिया, और बल्कि उल्टी बात, अगर राहुल गांधी ने कुछ कहा है तो उसको तोड़ मरोड़ के किस तरीके से एंटी इंडिया उसको किया जाए, ये काम होता है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अकेली पार्टी है भारत में जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उसके बहुत सारे एंगेजमेंट होते हैं। अगर आप गिनती करिएगा तो राहुल गांधी के पब्लिक एंगेजमेंट मोदी जी से ज़्यादा होते हैं, हर जगह राहुल गांधी पहुंचते हैं, चाहे मुसीबत हो, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो किसी के साथ अन्याय हुआ हो, पहुंचते हैं, जैसे मणिपुर में आ गए। तो सब कुछ कांग्रेस में हो रहा है, मुद्दे अच्छे उठा रहे हैं, रिसर्च करके बुकलेट निकालते हैं महंगाई के खिलाफ, चार्जशीट निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मीडिया का प्लान उनका, मुझे लगता है कि थोड़ा उनको विचार करना पड़ेगा कि किस मीडिया से इंगेज करें वो। आप जैसे मीडिया ने राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पे घंटों की प्रोग्रामिंग की, लाइव किए, विश्लेषण किए, अमेरिका से लोगों को गेस्ट बुला के आपने विश्लेषण किए, लेकिन ये काम गोदी मीडिया ने नहीं किया। तो कांग्रेस की तरफ से कोई पहल नहीं है। एक जो 10 करोड़ 20 करोड़ जो दर्शक है आपके साथ, उसको, उससे इंगेज करने कोई पहल नहीं है विपक्ष की तरफ से। और एक बार कांग्रेस की बात नहीं है, ये अखिलेश की बात है, वो तेजस्वी की बात है, वो स्टालिन की बात है, इनको अपनी बात को एम्पलीफाई कैसे करें, इसमें बहुत बड़ी रीथिंकिंग की ज़रूरत है। क्योंकि आमतौर पर मैं देखता हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वो मैं बताता हूँ, आमतौर पर मैं देखता हूँ कि जो दक्षिणपंथी मीडिया है, जो मीडिया आपकी धुनाई करता है दिन रात, आपके खिलाफ साजिशें करता है, आपके बयान को तोड़ मरोड़ करके आपको एंटी नेशनल साबित करता है, बैठते आप वहीं जाके हो। तो ये इस पे रीथिंकिंग विपक्षी पार्टियों को और कांग्रेस को करनी चाहिए कि अपनी बात को इस डिजिटल मीडियम के जरिए एम्पलीफाई कैसे करें, कैसे ले जाए जनता तक। राजीव जी, जी, और अभी पिछले दिनों बीजेपी में के जो थिंक टैंक हैं, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से, शानदार इसलिए कहूँगा क्योंकि उन्होंने कर्नाटक पर एक पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार की, और कर्नाटक के रिपोर्ट में ये पता चला कि कांग्रेस सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव रही, और इसलिए अब बीजेपी भी सोशल मीडिया और ख़ासकर यूट्यूब चैनल्स की तरफ जा रही है। जी प्रशांत जी, कुछ बोल। हाँ, एक आखिरी बात मैं इसमें ये जोड़ दूँ कि देखिए बीजेपी और सरकार कैसे इंगेज करते हैं, कि उन्होंने अब यूट्यूबर से इंगेज करना शुरू किया है बड़े पैमाने पर, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से। लेकिन विपक्षी पार्टियों को अभी ये समझ में नहीं आया है कि ये भी एक मीडियम है,
ये भी नहीं प्रशांत जी, ये बहुत बहुत बड़ा मीडियम है, हर हाथ में है। लोग हमारे तमाम साथी कहते हैं कि कोई कहता है 2014 से टेलीविजन देखना छोड़ दिया, कोई कहता है कि 2019 से हमने देखना छोड़ दिया, और कोई कहते हैं कि अभी हमने देखना छोड़ दिया। यानी कि लोग उधर से हट करके, और अभी कह ही रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी कि लगातार संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है, अगर सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल्स पे लोगों के, हमारे दर्शकों की संख्या आप लोग देख रहे हैं बढ़ी हैं पिछले दिनों लगातार, तो लोग तो आ रहे हैं देख रहे हैं। तो ये जो है ये बात विपक्षी दलों को, जैसा आप कह रहे हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा और कि अपने अपनी लाइन कैसे लंबी की जाए और कौन उन्हें दिखा रहा है और कहाँ इंगेजमेंट बढ़ाई जाए। लेकिन वो उनका काम है, हमारा काम विश्लेषण करना है, हम विश्लेषण कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि